सर इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1995। सर जैसे कि सारे स्कूल्स में होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है मेरे यहाँ स्कूल में अवेलेबल है, और जो स्पोर्ट्स की है फैसिलिटी वो है मेरे पास, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है उसमें क्या है, बच्चे को मैं स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स वो सब कुछ देती हूँ। जब बच्चों का फ्री पीरियड होता है स्पोर्ट्स में तो वो एक्चुअली बच्चे जब बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है रादर देन स्टडीज, स्टडीज से बच्चा अब बिल्कुल हम उसे बुकवॉर्म नहीं बना सकते ऑब्वियसली, तो उनका थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हम थोड़ा स्पोर्ट्स का देखते हैं। उनको एक पीरियड, स्पेसिफिक एक पीरियड मिलता है उनको, गेम पीरियड अलग अलग क्लासेस को, तो वो उनकी जैसी जब मर्जी होती है, जैसा वो पसंद करते हैं। एट स्पोर्ट्स टाइम पे हम उन्हें बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करते दैट यू हैव टू प्ले दिस गेम ओनली और दैट गेम ओनली, विच एवर गेम दे वॉन्ट टू प्ले दे कैन प्ले। स्टडीज के साथ साथ एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चे को प्रेशराइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि नहीं यू हैव टू डू दिस ऑलवेज स्टडी स्टडी एंड स्टडी, बट दिस इज नॉट मी। मेरी पॉलिसी क्या है, बच्चा अगर मैं बच्चे को स्टडी उस पर पढ़ा रही हूं, अगर मैं चाहती हूँ बच्चा मार्क्स है, तो मेरा फर्ज ये भी बनता है कि मैं बच्चे को थोड़ा सा लेजर टाइम दू एटलीस्ट बच्चे को। सर एक्चुअली जैसे होता है ना, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं ड्यूरिंग नवरात्रा फ्री एडमिशन कर देते हैं, बट मैंने फ्री ही रखी हुई है। मेरे पास बहुत सारी एडमिशन अभी तक आई हैं जो मैंने फ्री की हुई है, सिर्फ एनुअल चार्जेस मैं उनसे ले रही हूँ जो मुझे प्रोवाइड, मतलब जो उनको मैं प्रोवाइड करूंगी, लाइक सिलेबस डायरी प्रिंटिंग चार्ज वगैरह ये सब मैं। तो आप स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं किन बच्चों को आप फ्री एडमिशन दे रहे? जैसे हैंडीकैप बच्चे हैं, बहुत हैं भी हैं मेरे अबनॉर्मल हैं, उनकी मैं फी चार्ज नहीं करती हूँ। थोड़ा हैंडीकैप्ड हैं, जो बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, देखो स्टडीज का हर पेरेंट का सपना होता है वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, बट ड्यूरिंग ड्यू टू ये अफोर्ड नहीं कर पाते ना, जब वो लैक ऑफ मनी की वजह से वो पेरेंट्स का सपना जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं कि हम स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, वो मैं चाहती हूँ कि ठीक है फाइन थोड़ा कम कमाओ, लेकिन आप बच्चे को अगर एक बच्चे को स्टडी, अगर एक बच्चे को आप ज्ञान या पढ़ाई दे देते हो ना, तो दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर। यही बताना चाहूंगी कि स्लोली स्लोली हम बहुत वर्क कर रहे हैं इस स्कूल पे, जैसे कि मैं बहुत सारी कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाने का तरीका इंट्रोड्यूस हो। मैंने बहुत अच्छा स्टाफ जो है वो मैं अभी रिक्रूट कर रही हूँ धीरे धीरे, अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, कुछ टीचर्स मैंने अपॉइंट कर भी लिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मैं अच्छा ये दूँ और बहुत कोशिश कर रही हूँ कि स्मार्ट बने, स्कूल टॉप पे चले। अभी तो फिलहाल मेरी कोशिश